आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू बैंगन और तरकारी। इसको हिंदी में आलू बैंगन की सब्जी भी बोलते हैं। ये एक उड़ीसा में एक रेगुलर सब्जी है। इसको हम लोग डोसा, उपमा, राइस एंड पराठे के साथ भी खाते हैं। मुझे तो ये राइस के साथ भी बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरे हर रेसिपी की तरह पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो आज हम लोग आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे। उसके लिए मैंने आलू लिया है, बैंगन, टमाटर और थोड़ा सा चना मैंने भिगोया था, चना डाल, तड़के में होल रेड चिली, सरसों, जीरा और थोड़ा सा मेथी, हींग, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली, धनिया पत्ता और उसके साथ पानी। मसाले में हमें लेना है धनिया पाउडर। हमारे घर में थोड़ा तीखा कम पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर लिया है और कलर के लिए कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, गरम मसाला, हल्दी, नमक और तेल। देखिए, तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें सारे तड़के का इंग्रेडिएंट डाला था। अभी सरसों फूटने लगा है तो उसके साथ मैं अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ टमाटर फ्लेम आप लो कर दीजिए। टमाटर पकने के बाद हम सारे सब्जी ऐड करेंगे। ये देखिए, टमाटर अभी पक गया है। मैंने थोड़ा सा ऐसे क्रश किया था इसको तो और अच्छे से पक गया है, वो अच्छे से मिल गया है। अभी इसमें हम लोग आलू ऐड करेंगे, फिर बैंगन, चना, फिर इसमें चना डाल। ये दोनों से इससे क्रंच आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको अभी अच्छे से मिक्स करते हैं। ये सब के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, फिर इसके बाद रेड चिली और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको अच्छे से मिला दूंगी और लास्ट में नमक। इसी बीच मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया था। गरम पानी आप इसमें यूज कीजिए। और जैसे मैंने आलू और बैंगन को काट के पानी में डाल दिया था, इससे आलू का स्टार्च निकल जाएगा और बैंगन भी हमारा काला नहीं पड़ेगा। देखिए, कितने देर से मैंने बैंगन काट के रखा था, बिल्कुल काला नहीं हुआ। ये छोटे छोटे टिप्स हमें बहुत काम में आते हैं। ये टिप मेरी बड़ी जेठानी ने मुझे बताया था। देखिए कितना सुंदर कलर आया है अभी। अभी इसमें हम लोग गर्म पानी ऐड कर देंगे। ये टिप मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, इसका एक फ्लेवर रिटेन रहता है। अभी इसको थोड़ा हम हाई फ्लेम करेंगे। पानी थोड़ा गर्म होने के बाद कवर कर देंगे और दो सीटी आने के बाद इसको बंद कर देंगे। और अभी ये हमारा पक गया है अच्छे से। इसको अच्छे से मिला देंगे हम लोग। जैसे मैं ये उपमा के साथ बनाती हूँ तो थोड़ा ग्रेवी ज्यादा रखती हूँ, तो पराठा और रोटी के साथ थोड़ा ग्रेवी कम रखती हूँ तो अच्छा लगता है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी मैं इसको बाउल में निकालूंगी।
देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है अभी इसमें। ये उड़ीसा का एक स्पेशल सब्जी है, रोटी के साथ उपमा के साथ बहुत पसंद करते हैं। इसे आप जरूर बनाइए, बहुत ही इजीली बनता है। थैंक यू सो मच।